ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी कुंडली में कोई भी नौ ग्रह अगर खराब है, यानी कि नौ में से कोई भी ग्रह खराब है, जो आपको मैं सिम्टम्स बताऊंगा अगर वो मैच करते हैं तो आपको उसकी रेमेडीज भी बताऊंगा। यानी कि कोई भी ग्रह अगर आपकी लाइफ में खराबी कर रहा है, मैं आपको उसके सिम्टम्स और उसकी रेमेडी सारा कुछ बताऊंगा। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए जानते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। जब भी सूर्य ग्रह कुंडली में खराब होगा तो घर में दिन त्यौहार पर झगड़े होंगे। सूर्य खराब हो तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, अपनी बात सामने वाले पर फोर्सफुली मनवाने यानी कि अपनी बात सामने वाले से फोर्सफुली मनवाएगा या अपनी बात फोर्सफुली सामने वाले को कहेगा। इंसान की संतान से नहीं बनती और इसके अपने फादर से नहीं बनेगी। जिनका भी कुंडली में सूर्य खराब है इनकी फादर से नहीं बनेगी और इनकी अपनी संतान से नहीं बनेगी। सरकार की तरफ से इनको परेशानियां रहेंगी, या तो कोई लिटिगेशन या मुकदमे या कोई ना कोई पेनल्टीज इनको आती रहती हैं। सूर्य खराब हो तो व्यक्ति की इमेज खराब होगी, यानी कि गुडविल खराब होती है। अगर आपको यह परेशानियाँ आ रही हैं तो सूर्य की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। सूर्य डाइजेशन यानी कि पेट को भी दिखाता है। जब भी कई बार क्या होता है कुंडली में सूर्य खराब हो यानी कि राहु के साथ हो, राहु की दृष्टि में आ रहा हो, तो सूर्य की खराबी हो जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति की हेल्थ कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती है। उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य की चीज़ों का दान। अब सूर्य की चीज़ें कौन सी है, तांबा और गुड़। यानी कि रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, एक किलो आधा किलो जो आपको देना अच्छा लगे। साथ ही साथ तांबे का यानी कि तांबे की गड़वी या तांबे का कोई भी पात्र आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे आपके सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रमा, यानी कि जिनका भी कुंडली में चंद्र खराब है यानी कि मून खराब है तो व्यक्ति परेशान रहेगा, डिप्रेशन में होता है, एंग्जाइटी बहुत होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की हेल्थ में लगातार अप एंड डाउन यानी कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी हेल्थ में अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लिक्विड कैश में दिक्कत होती है, यानी कि जो भी डेली इनकम होता है, जो भी कैश इनके पास होता है उसमें दिक्कत रहती है। कैश इनके पास बचा नहीं सकते या कोई ना कोई खर्चा खड़ा रहता है जब भी चंद्रमा खराब होता है। जब भी चंद्रमा खराब हो यानी कि जो भी आपने स्टडी की है वो आपके काम नहीं आती, वो आपके इनकम सोर्स के काम नहीं आती। इसमें आपको उपाय क्या करना है, चंद्र जब भी खराब होता है ऐसा व्यक्ति बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में, बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं। इसके लिए आपको उपाय करना है दूध का दान, यानी कि आप जरूरतमंद को दूध का दान कर सकते हैं, मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो, पानी का दान करें या कहीं पर अगर पियाऊ यानी कि टू नलका वगैरह कहीं भी जरूरतमंद जहाँ पर आप प्याऊ लगा सके तो बहुत ही अच्छा है। या मंदिर में चांदी या चावल का दान कीजिए। जब भी चंद्रमा डिस्टर्ब करे तो मंदिर में सोमवार के दिन चांदी या चावल का दान कीजिए। बेस्ट उपाय है कि जिनका भी चंद्रमा कुंडली में खराब है तो माता से कोई भी ठोस चांदी लेकर हमेशा अपने पास रखें। कोई भी ऐसी चांदी या तो उसको अपने सेफ में संभाल के रखें या तिजोरी में। इससे आपको कभी भी कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। इससे आप अगर आपकी मदर नहीं है यानी कि आप कोई भी माता समान स्त्री से यानी कि अगर आपकी दादी है या पड़ोस में कोई आपकी मदर जैसी है उनके हाथ लगवा कर उनसे चांदी ले सकते हैं। इस चांदी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। अब एक यहाँ पर एक प्रिकॉशन भी है, जब भी चंद्रमा कुंडली में सिक्स हाउस में हो तो कुंडली में चांदी या दूध का दान बिल्कुल नहीं करना, ये घातक सिद्ध हो सकता है। यानी कि इसके लिए आपको देख लेना चाहिए, बस ये कि प्रिकॉशन है कि जब भी चंद्रमा सिक्स में हो तो चांदी और चावल का दान बिल्कुल नहीं करना। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल खराब होंगे तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी आएगी, व्यक्ति कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन इसमें नेचर में बना रहेगा, हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा, आर्गुमेंटिव नेचर होगी यानी कि हमेशा आर्गुमेंट्स करने के लिए तैयार रहेगा। मंगल खराब हो तो कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। मंगल जमीन का कारक है, मंगल खराब हो तो कोई भी जमीन का चक्कर हो सकता है यानी कि कोर्ट कचहरी हो सकती है या कोई भी जमीन का कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी के झगड़े मंगल की खराबी के कारण होते हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड वाद विवाद है वो मंगल की खराबी के कारण होते हैं। लोगों से रिलेशन खराब होना, भाई बहनों से विवाद करना यानी कि मंगल खराब के समय, ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से लोगों से रिलेशन खराब होना, भाई बहनों से विवाद होना, ये चीज़ें भी होती है। अब बात करते हैं मंगल की यहाँ पर क्या रेमेडी कर सकते हैं। मंगल क्या है, मीठा। कुछ भी मंगल करे वो मंगल होता है, यानी कि मिठाई का दान करें, हर तरह की मिठाई मंगल है।
या तो आप छोटे बच्चों को चॉकलेट्स या टॉफीज कुछ भी बांट सकते हैं। इससे भी मंगल के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। हर मंगलवार कोई भी मीठी चीज का भोग लगाकर, यानी कि हर मंगलवार हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाकर इसको सब में बांटे, यानी कि सब लोगों में बांटे, जो भी मंदिर के बाहर बैठे होते बच्चे होते हैं, जो भी बड़े होते हैं उनमें बांटे। इससे भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप आटे का हलवा दूध में बनाकर वो भी बांट सकते हैं। इससे भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं बुध की। जब भी कुंडली में बुध खराब हो तो बहुत परेशानियां होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि साथ देना छोड़ देती है, यानी कि इसकी बुद्धि काम नहीं करती। गलत या गंदा, यानी कि अचानक से ये किसी को भी गंदा बोल देता है या गलत मलत कुछ भी बोल देता। हर काम इसका उलझता जाएगा, कोई भी काम इसका नहीं हो पाता। बुध खराब हो तो व्यापार में दिक्कत होती है। अभी बुध से रिलेटेड जो रिश्तेदार है वो कौन होते हैं? बुध क्या है? बहन, बेटी और बुआ और मासी। यानी कि जब भी कुंडली में बुध खराब है तो इसके रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, या तो सिस्टर को, बहन को, बेटी को, बुआ को, मौसी को, या इनकी लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव या इनकी हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इनकी लाइफ में लगा रहेगा अगर कुंडली में बुध खराब है। अब उपाय के लिए जो सबसे बेसिक उपाय है वो तो है साबुत हरी मूंग की दाल को रात को भिगोकर रख लो। यानी कि ये जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ इसको आपको 43 डेज लगातार करना है। अब 43 डेज करना कैसे और किस दिन से शुरू करना? किसी भी मंगलवार से, ठीक है, या तो शुक्ल पक्ष का हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए। ये मंगलवार के दिन रात को आपको मूंग की दाल भिगोकर रखनी है और बुधवार से ये शुरू होगा, यानी कि बुधवार को पक्षियों को डालें। ये आपको ये 43 डेज लगातार करना, रात को दाल को भिगोकर रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डालें। इससे आपकी बुध की बुध में जो भी खराबियां आ रही थी उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और उपाय है कि कांसे में, यानी कि कोई भी कांसे का बर्तन, कटोरी या कुछ भी कांसे का बर्तन, यानी कांसा क्या होता है, ब्रोंज, इन चीज़ों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। कोई भी कांसे की चीज़ का दान आप मंदिर में कीजिए, तब भी आपको बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब एक बात, एक चीज़ पर बात और करते हैं। जब भी कुंडली में बुध और मंगल दोनों खराब हो तो इन दोनों को मिलाकर, यानी कि मूंग की दाल का हलवा बनाकर, मूंग क्या है, साबुत हरे मूंग है बुध, और इसमें जो हलवा बनेगा वो मीठा बनेगा, मीठा क्या, मंगल, और ये बुध और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों को मिलाकर अगर आप ये भी हलवा बांटते हैं तब भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, यानी कि दोनों ग्रह का एक साथ आप उपाय कर सकते हैं। अब जो पांचवा ग्रह है उसकी बात करते हैं, यानी कि गुरु ग्रह, गुरु देव, गुरु बृहस्पति। गुरु खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को किस्मत का साथ नहीं मिलता। बड़े बुजुर्गों से ना बननी, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों से नोकझोंक चलते रहना। गुरु खराब हो तो ज्ञानी नहीं बन पाता, या ऐसा कह सकते हो गुरु खराब हो तो व्यक्ति ज्ञानी तो होगा बट अपने ज्ञान को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो उसको ज्ञान है उसके थ्रू वो कैश नहीं कमा सकता। हर पीली चीज गुरु है, यानी कि बेसन, हल्दी या चने की दाल, ये सब जब भी गुरु कुंडली में खराबी करें तो आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। स्पेशली जब भी गुरु की चीजों का दान करना तो धर्मस्थान, धर्मस्थान यानी कि मंदिर, कोई भी आपके घर के नियर बाय जो भी मंदिर है अब उसमें जाकर चने की दाल का दान करना शुरू कीजिए हर वीरवार के वीरवार। इससे आपको किस्मत का साथ मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको फैसिलिटेटर, यानी कि कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम नियर बाय, किसी ना किसी से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी और ईश्वरीय मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी। इससे आपका गुरु अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक रेमेडी और कर सकते हो, 43 डेज तक लगातार अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 43 डेज तक लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे गुरु का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं छठे ग्रह की, यानी कि सिक्स्थ ग्रह की, जो कि शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र खराब हो तो स्किन में दिक्कत आना, जीवन साथी से अनबन होना, शादी में डिलेज होना शुक्र के कारण होता है। यानी कि अगर शुक्र खराब है तो व्यक्ति पैसा तो कमा लेता है बट उस पैसे को अपना अपने ऊपर यूटिलाइज या अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता, वो पैसा उसके काम नहीं आता। जब भी कुंडली में शुक्र खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के संबंध, यानी कि उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत, उसके पार्टनर से उसकी ना बनना, कोई भी पार्टनरशिप में दिक्कत आनी, वो शुक्र खराब है। अभी शुक्र क्या, लग्जरी का कर रहे हैं। जब भी शुक्र खराब है तो लग्जरी में दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं पैसे की भी इनकी लाइफ में दिक्कत रहती है। शुक्र की जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि रेमेडी में काम आती है वो है परफ्यूम है, इत्र है और दही है। अब इसके लिए आपको रेमेडी में क्या यूज़ करना है, या तो आप परफ्यूम शिव जी को चढ़ाना शुरू कीजिए, यानी कि इत्र, इत्र को भी आप शुक्रवार के दिन शिव जी को चढ़ा सकते हैं,
या फिर आपको दही, दही जो है कि सबसे बेस्ट शुक्र की रेमेडी है ये। हर शुक्रवार के शुक्रवार आप शिव जी पर दही चढ़ाना शुरू कीजिए, इससे आपके शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, गाय, यानी कि कोई भी गाय है वो शुक्र है। गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर ज्वार खिलाएं, यानी कि गाय को जब भी आप हरा चारा खिलाना शुरू करेंगे, इससे भी आपकी शुक्र के रिजल्ट अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इससे आपका व्यापार भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी और आपकी लग्जरी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपको डेली रूटीन में गाय की सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं शनि के बारे में, यानी कि सातवां ग्रह। जब भी कुंडली में शनि खराब हो, करियर में उतार चढ़ाव होते हैं, शनि खराब हो तो अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं बट वो अपॉर्चुनिटीज काम नहीं आ पाती। ऐसे व्यक्ति का, यानी कि जिनका भी शनि खराब हो, तो काम लास्ट पे जाके रुक जाना, अचानक से ब्रेक लग जाना, सडनली कोई भी बिल्कुल 99 होते ही ब्रेक लग जाना, ये शनि खराबी की निशानी है। और जब भी शनि कुंडली में खराब हो तो इसके लिए ये प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, उसकी रेमेडीज भी बताऊंगा। प्रिकॉशन के तौर पर जिनका भी शनि खराब हो, इनको अल्कोहल यानी कि शराब से, मांस मीट से, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अल्कोहलिक वगैरह कोई भी चीज़ हो, इन सभी से दूर रहना चाहिए, या इनका आप दान कर सकते हो, ठीक है। शनि अगर आप ये चीज़ लेते हो, यानी कि कोई भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारे खराब शनि के अंडर आते हैं, ये शनि को भी खराब करते हैं, शुक्र को भी खराब करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, ये आपके लिए प्रिकॉशन है। अब बात करते हैं इसकी रेमेडी क्या होगी। जो शनि की चीज़ें होती हैं, वो होती काले उड़द, सरसों का तेल, लोहा, नारियल। यानी कि जब भी शनि का उपाय होता है तो काले उड़द को या तो सरसों के तेल में डुबोकर, ठीक है, इसका दान करना शुरू कीजिए, या फिर हर शनिवार के शनिवार सरसों का तेल आप शनिदेव को अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ एक रेमेडी और कर सकते हो, अगर आपको शारीरिक पीड़ा आ रही है, शनि की दिक्कतें आ रही है, यानी कि लोअर बॉडी में दिक्कत आ रही है, थकान रहना, मन ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, अपने अपने में रहना, यानी कि रिजर्व, अपने नेचर, अपने ही अपने में रहना, ना कोई पार्टीज में जाना, ना फंक्शन में जाना, सभी लोगों से कट जाना, ये भी शनि खराबी की निशानी है। अब यहाँ पर आपको रेमेडी करनी है कि हर शनिवार के शनिवार चार मुखी दिया होता है, यानी कि चौमुखा, जो भी चार मुखी यानी कि स्केयर शेप होती है, ये नेक मंगल की होती है। जब भी आप शनिवार के शनिवार ये नेक मंगल यानी कि स्केयर का दिया, उस चार, उसमें चार बत्तियां चारों साइड से बाहर निकलेंगी, उसको जलाकर आप शनिदेव के सामने रखें, इससे आपको शनि के रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके व्यापार में ग्रोथ होगी, क्योंकि शनि व्यापार भी है। जब भी शनि खराब होता है तो व्यापार में उतार चढ़ाव देता है, अभी शनि ठीक होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। और ये प्रिकॉशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जब भी शनि खराब हो तो नॉन वेज, एल्कोहल और कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन चीज़ों से दूर रहिए, अगर आपको शनि अच्छा रखना है। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपका शनि खराब है और कभी भी ठीक नहीं होने वाला, चाहे जितनी मर्जी रेमेडी कर लो। जब भी शनि खराब करे तो मंदिर में नारियल, यानी कि कुछ कुछ समय में नारियल चढ़ाते रहें, इससे भी शनि आपका अच्छा होगा। और शनि क्या है, लेबर, जो भी मजदूर होते हैं, जो भी बिल्डिंग में बनाने वाले होते हैं, यानी कि जो भी मजदूर लगे होते हैं, ये सारे शनि है, इनकी आप इनको पैसे देते रहिए, इनको खाने को देते रहिए, कुछ भी नमकीन चीज़ें इनको बांटते रहिए और शनि आपका अच्छा होता जाएगा। बट फिर भी प्रिकॉशन रखनी आपको ज़रूरी है, अल्कोहल चीज़ें नॉन वेज से आप दूर रहिए, फिर देखिए आपका शनि कितना अच्छा होगा, आपके व्यापार में तेजी होगी, आपके सारे संबंध अच्छे होंगे। अब बात करते हैं राहु के बारे में, यानी कि जब भी राहु खराब हो तो अचानक से दुर्घटनाएं होती है, अचानक से कोर्ट कचहरी हो जाता है, बिजली के सामान का खराब होना या अचानक से कोई भी चीज़ों का जल जाना, जीवन में एकदम से लोगों का विरोधी बन जाना, यानी कि लोग आपके दुश्मन बन जाए, तो ये राहु खराबी की निशानी है। अब अगर आपके घर में बार बार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, टीवी, फ्रिज या कोई भी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उनको निकालते जाए, उनको ठीक ना कराएं, रिपेयर ना कराएं, अगर जो खराब हो गई है या तो रिपेयर करवा लें, उसको खराब नहीं रखना, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं ले सकते तो उसको पुरानी को निकाल दें, नहीं ले लें, ठीक है, इससे भी आपका राहु अच्छा रहेगा। राहु जब भी खराब होता है तो घर में सीलन रहती है, यानी कि घर में सीलन आना दीवारों में, ये भी राहु खराबी की निशानी है। घर में बार बार टूटियों का टपकना, ये भी राहु की खराबी की निशानी है। अभी राहु के लिए आपको क्या रेमेडी करनी है, सूखा नारियल जो होता है वो राहु का होता है, सूखा नारियल आप या तो जलप्रवाह कीजिए या कच्चा कोयला, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, बट फिर भी कुंडली देख लेनी ज़रूरी है। जब भी कुंडली में राहु अष्टम में आता है तो ये बहुत दिक्कत देता है, इसके लिए भी एक रेमेडी होती है, यानी कि 800 ग्राम या 8 किलो इसमें कच्चा कोयला जलप्रवाह होता है। बट जब भी हम कोई चीज़ जलप्रवाह करते हैं वो खाना नंबर 4 में आती है। खाना नंबर 4 जो अपनी मदर यानी कि अपनी माता का हाउस है,
अगर हम ये जल प्रवाह करते हैं कहीं ना कहीं आपको आपकी माता को कष्ट आ सकता है, आप अपने आप को तो ठीक कर लेंगे, बट वहीं पे जब इस राहु की एनर्जी खंड नंबर 4 में जाएगी तो ये मदर की हेल्थ को खराब करेगी। उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा दूध या चावल वगैरह जल प्रवाह कर दीजिए ताकि आपका खंड नंबर 4 की एनर्जी सेफ रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं केतु की, यानी कि केतु क्या है, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म। जब भी केतु खराब होगा तो जोड़ों का दर्द होगा, स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट, जब भी आपको जरूरत है धन का अरेंजमेंट ना हो पाना, ये केतु की खराबी है। आपके जॉइंट्स में दर्द, जोड़ों में दर्द, आपके यानी कि गोंडों में यानी कि गठिया का दर्द होना, ऑथराइज्ड होना यानी कि ऑथराइटिस्ट होना, ये सारी केतु की खराबी की निशानी है। व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाता है केतु खराब हो। केतु खराब हो तो कोई भी काम आप अगर शुरू करते हो तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन यानी कि काम पूरा नहीं हो पाता, केतु खराबी की यही है। अगर आपका कुंडली में केतु खराब है, इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, केतु क्या है? कोई भी काली सफ़ेद चीज यानी कि ब्लैक एंड वाइट चीज, केतु के लिए जो रेमेडी होती है शनिवार को होती है कि दो रंगी कंबल का दान कीजिए। अभी या तो ये अपने आप इसको अपने ऊपर से 11 बार वार लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए, और इसको या तो मंदिर में दान करिए या फिर आप किसी भी जरूरतमंद यानी कि किसी गरीब को दान कर दीजिए। इससे भी आपका कुंडली में केतु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। केतु क्या है? कोई भी काला कुत्ता वो केतु है। जब भी केतु खराब हो तो काले कुत्ते की सेवा कीजिए, नियमित सेवा कीजिए, काले कुत्ते को कुछ भी खाने को दीजिए, बस दूध को अवॉइड कीजिए। दूध कभी भी काले कुत्ते को नहीं डालना, बिस्किट डालिए, कुछ भी डालिए, रोटी डालिए, ठीक है, दूध को अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ काले सफ़ेद तिल, यानी कि जब भी केतु खराब हो तो काले सफ़ेद चीज़ कोई भी है वो केतु की है, काले सफ़ेद तिल को मिक्स करके या आप शिव जी को भी अर्पित कर सकते हैं या आप इसको दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपका कुंडली में केतु का रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। केतु क्या? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ऑकल्ट में कोई भी चीज़ आती है केतु के अंडर आती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट की साइंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, टैरेट रीडिंग या कोई भी वास्तु या जो भी है, वास्तु शनि के अंडर भी आता है, ठीक है। अभी आप अगर केतु खराब है तो आप कोई भी धर्म की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे एक पन्ना पढ़े रोज का, इससे क्या आपकी केतु की खराबी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर बाय चांस आपका केतु खराब है तो आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी आ सकते हैं, यानी कि केतु के लिए आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी कर सकते हैं ऑकल्ट के रिलेटेड, इससे भी आपका केतु अच्छा रहेगा। जब भी केतु खराब होता है तो बेटा होने में दिक्कत होती है, लोअर बॉडी में दिक्कत रहती है, जॉइंट्स पेन होना, बॉडी का हर जॉइंट्स में पेन होना यानी कि वैसे लोअर बॉडी में दिक्कत रहती है। केतु खराब हो तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, कहीं भी लोअर बॉडी में दिक्कत आ सकती है, स्टमक से नीचे आपको कोई भी दिक्कत आ सकती है जब भी केतु खराब हो। सो केतु के लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि आप काला सफ़ेद कंबल यानी कि दो रंगी कंबल का दान करते रहें, काले कुत्ते की सेवा करते रहें, सबसे बेस्ट रेमेडी है। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो में ये चीज़ अच्छी लगी। अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उस नंबर पर जाकर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, फ्री के लिए कॉल या मैसेज बिल्कुल ना करें। ओम नमः शिवाय।